नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पकौड़े की नई रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची लगती है खाने में। ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। एक बार अगर आप इसको खा लिए ना बना के, तो आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ ले लिया है 150 ग्राम मैंने उड़द का दाल भिगा के रख लिया था रात भर के लिए। इसको 3-4 घंटे पहले भी आप भिगा सकते हैं, ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाता है। मैंने इसका पानी पूरा छान लिया है और मैंने इसमें 1 चम्मच क्या डाला था, वो मेथी दाना। मेथी दाना भी इसी के साथ ही मैंने इसको अच्छे से भिगा लिया था, अलग से नहीं भिगाया था। तो आप इसमें इसके साथ अगर आपको मेथी दाना भिगाना, तो इसी में 1 चम्मच डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। क्या है, मेथी दाना डालने से थोड़ा अच्छा रहता है, गैस वगैरह नहीं होता है, तो क्या इसलिए सब मेथी दाना डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया था 150 ग्राम उड़द का दाल, मैंने इसको रात भर के लिए भिगा दिया था। इसको 3 से 4 घंटे के पहले भी आप भिगा सकते हैं, अच्छे से फूल के तैयार हो जाता है। अब इसी के साथ मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया था मेथी दाना। मेथी दाना डालने से अच्छा थोड़ा सॉफ्ट बनता है, और किसी को अगर गैस का प्रॉब्लम रहता है तो गैस नहीं बनता है पेट में, तो मैंने इसलिए इसमें मेथी दाना डाल दिया। अगर आपको मेथी दाना डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको मिक्सर के जार में एकदम बारीक पीस करके ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको एकदम बारीक पीस करके ले लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम बारीक पीस करके ले लिया है। अगर आप आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि करना है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, 1 चम्मच मैंने इसको निकाल लिया एक बर्तन में। अब मैं इसमें 1/2 कप डालूंगी चावल का आटा। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी, 2 मैंने लंबे लंबे कट करके रखा था, मैंने हरा मिर्च वो डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता मैंने 8 से 10 पतला पतला कट करके रखा था वो डाल देती हूँ। इसमें मैंने अदरक का टुकड़ा बारीक कट करके रखा था वो मैं डाल देती हूँ। 1 चुटकी हींग डालूंगी, 1 से 2 चुटकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। अब इसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच बड़े चम्मच से गरम तेल डाल देती हूँ। अब इसके बाद इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ, इससे क्या थोड़ा क्रंची बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें 1 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 चुटकी ही डालना है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूँ सारा सामान। आप चाहे तो उड़द का दाल जब पीसते समय आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा पतला बेटर बनाने का है, तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा पानी ऐड करूँगी, पहले मैं इसको सारा मिक्स करके ले लेती हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको फेंट करके ले लिया है। आप देख सकते हैं कि इतना इसी तरह से इसका बेटर रहेगा, इसको ज़्यादा न पतला करना है ना ज़्यादा सूखा करना है, एकदम इसी तरह से इसको करके लेने का है। आप देख सकते हैं, तो अभी हम गैस की तरफ चलेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब इसी में मैं एक एक करके अपने साइज़ के हिसाब से आप डाल सकते हो, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इस तरह से सारा डाल के मैं ले लेती हूँ। तो अभी एक साइड से हो चुका है, अभी मैं इसको पलटते पलटते हुए तो मैं सारा पलट के ले लेती हूँ। इसको दूसरे साइड का भी अच्छे से पका करके ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरे साइड का भी बनके एकदम पक्के रेडी हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फूला फूला बनके स्पंजी तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छा, एकदम क्रंची बना हुआ है। अब मैं ये हो चुका है, मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एकदम क्रंची पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप भी ज़रूर बना के खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। एक बार आप इसको बना के खा लेंगे ना, तो आपको बार बार बना के खाने का मन करेगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम क्रंची एकदम करारे बने हैं।
आप इसको सॉस के साथ और किसी भी चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ऊपर से एकदम क्रंची है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, आप आवाज़ सुन सकते हैं कितना है, एकदम आवाज़ आ रहा है इसमें। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, आपको जब मन करे आप इसको बना के खा सकते हैं। आप बच्चे लोग को टिफिन में भी दे सकते हैं फटाफट बना के। आप इसको सांभर के साथ भी खा सकते हैं। आपको अगर चाय के साथ कुछ खाने का मन हो तो आप इसको बना के अच्छे से खा सकते हैं, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।